नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आपके लिए लेके आज अपने पैतृक गांव से कॉटन की वीडियो। यानी कि मैं राइस नगर मुकलावा बेल्ट से हूं और आज अपने ही गांव आया हूं। तो यहां के बेल्ट के जो नरमा देखा मैंने, खूब और शानदार लगा। तो टैलेंट का ये डेमो लगा हुआ है, किसान के पास हम पहुंचे हैं कि इन्होंने कितनी तारीख को बिजाई किया, इसमें क्या क्या डाला और कितना उत्पादन पहली खिड़ाई में हुआ है और दूसरी की क्या एवरेज निकल सकती है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने इस टैलेंट वेराइटी के बारे में आपको देंगे। हालांकि टैलेंट की मैंने अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो डाली है जिसमें इस तरह की जो लड़ी है उसमें 10-10, 11-11 टिंडे और अंगूर की तरह गुच्छे वाली वीडियो भी डाली है। तो वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखना। सर, आप मेरे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय करवाइए। सर, मेरा नाम रणवीर सुतार है, पिता का नाम प्रेम कुमार सुतार, गांव मुकलावा, तहसील राजनगर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से हूँ। ठीक है, आप नरमे की खेती कितने टाइम से कर रहे हो और इस बार आपने टैलेंट कितने खेत में लगाया? सर, नरमे की खेती लगभग 10-12 साल हो गए हमें करते हुए। टैलेंट है ये, अब की बार ही जो निजी वुड कंपनी का ये लगाया था हमने, ये लगभग हमने 3 बीघों में लगा रखा है। ठीक है, तो आपको ये वेरायटी जो और वेरायटी लगा रही है उसके मुकाबले कैसी लगी? और वैरायटी से ये वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इसमें क्या विशेषता ऐसी क्या है कि आपको ठीक लगी? सर, इसमें कई विशेषताएं हैं। तो इसमें क्या है कि नंबर एक तो ये है कि जो ये जो पौधा है ये नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे लड़ीदार है, बुनता है, फुटाव ज्यादा है, फुटाव ज्यादा है। और इसके जो डिंडे हैं वो एक लड़ी में लगभग 8 से लेकर 12 डिंडे हैं। मतलब ये जो लड़ी है इसमें 8 से 12 तक डिंडे, 12 डिंडे हैं। ठीक है, और इसमें जो ये रुई है, कॉटन है, तो इसकी जो ये गुड़ी है ये औरों में 4 होती है, तो इसमें लगभग 5 है, पंखुड़ियां 5 है, 5 है इसमें। ठीक है साथियों, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो ये हम इसलिए बना रहे हैं कि आप बेस्ट वैरायटी को लगा सके, किसान को मरवा तो नहीं दोगे आप? नहीं 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 जी, बहुत बढ़िया वैरायटी है जी, बहुत बढ़िया। पहले खेड़ में अपना नरमा कितना हो गया? ये लगभग 1 बीघे का 3.5 क्विंटल निकला है। और दूसरी खेड़ में अब आपका अनुमान क्या लग रहा है? लगभग 5 क्विंटल, यानी कि 8 क्विंटल प्लस होने वाला अनुमान है। से प्लस हो गया। तो वजन की बात करूं तो आपको कैसे लगा? बाकी दूसरे नरमे मुकाबले ज्यादा लगा या एवरेज लगा? नहीं, ज्यादा है उसमें, वजन ज्यादा है, वजन भी ज्यादा है। तो भाई, मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि सबसे पहले तो आके पौधे को जो शाखाएं हैं वो दिखाएं भाई, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा भाई शाखाएं जो रियलिटी है वो आप वीडियो में देखें भाई। ये यहां से शाखाएं निकलनी स्टार्ट हुई है और मल्टी लेयर शाखाएं हैं, जैसे कि भी आप देख पा रहे हैं इसकी छोटे छोटे पंखुड़ियाँ हैं वो निकले ही जा रही हैं, और पंखुड़ी में जो डिंडे हैं वो जैसे कि देख पा रहे हैं 1-2, ये यहाँ से एक ड्रॉप हो गया भाई, गिर गया, 3-4-5-6-7-8-9। और मजे वाली बात है कि 2-2 एक साथ, ये यहाँ पे भी 2 एक साथ लगे हैं, यहाँ पे भी 2 एक साथ लगे हैं, और लगभग ऊपर तक जैसे कि आप देख पा रहे हैं टिंडे हैं वो पूरे प्रॉपर खिल चुके हैं, और वैरायटी है लगभग शानदार वैरायटी है भाई मेरे विचार से। तो आप जो दर्शक अपनी वीडियो देख रहे हैं उन्हें आप क्या रिकमेंडेशन करोगे इस वैरायटी के बारे में, इसके पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए, पानी कितना टाइम देना चाहिए, खाद स्प्रे आपने इसमें क्या क्या डाला है? पहले तो किसान भाइयों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो टैलेंट वैरायटी है ये बहुत अच्छी वैरायटी है, इसमें हमने देखा कि पहली बार बोआ है, तो इसमें जैसे रुई वगैरह अच्छी है, इसके कॉटन डिंडे भी अच्छे हैं, शाखाएं खूब है, और जैसे कि आपने और वैरायटी है उससे क्या थोड़ी सी जो पौधे से पौधे की दूरी है वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये अपने 2.25 फीट पे बेसिक नरमा लगाते हैं, तो इसको 2.5-3 रखना चाहिए। 2.5-3 रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या जो पौधा है ना वो पूरा झाड़ी नुमा पूरा बन जाता है। ठीक है, फैलाव ज्यादा है इसमें। कौन सी जमीन के लिए उपयुक्त रहेगी आपके हिसाब से? हल्की जो मीडियम जमीन है उससे भारी जमीन, यानी कि बोलते हैं तकड़ी जमीन खतरा, तकड़ी जमीन खतरा, बहुत बढ़िया है। ठीक है, इनमें से स्प्रे किसी किसी डाली अभी तक? इनमें 3-2 स्प्रे तो मैं जिया निकाली है, जिया एक तो जिया रेतीले की निकाल दी, एक जिया दवाइट मच्छर की भी निकाल दी, और जिया एनपीके 13-0-45 दो बार स्प्रे निकाल दी। तो टोटल 4 बार मतलब ढोल की चक्री थे, दो बार तो ताकत ताकत में चक्की है। हाँ, दो बार मतलब नरमन ताकत ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, मुर्दा आदमी का काम की कोनी, मुर्दा आदमी काम की कोनी, क्योंकि फाड़ है भी साफ तो ताकत सही है। ठीक है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपने गाय भैंस है वो 10-15 लीटर से ज्यादा अगर दूध देगी ना तो जाहिर सी बात उसमें कैल्शियम की कमियां आएगी, तो उसे अपने कैल्शियम का रिकमेंडेशन करते हैं। उसी तरह से ये जो वैरायटी है इसमें फाल ज्यादा, टिंडे ज्यादा, टहनियां ज्यादा, फुटाव, ये सारी चीजें अगर आप और ज्यादा लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको इसमें ताकत वाले जो भी स्प्रे है वो आपको टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी, ताकि आप और ज्यादा बेहतरीन और बेस्ट रिजल्ट ले सके। तो साथियों, टैलेंट की हमने जो वीडियो बनाई है, हमने फील्ड देखा है किसान का, बहुत ही शानदार और बेहतरीन है,
आप इस वैरायटी को बेझिझक लगा सकते हैं और मैं रिकमेंडेशन आपको इस वैरायटी का लगाने का करूंगा कि अगर आपने आज तक नहीं लगाई है तो इस वैरायटी का ट्रायल जरूर करके देखें, 100% आप सर्टिफाइड रहेंगे इस वैरायटी से। और वीडियो पसंद आए तो दूसरे साथियों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।